प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ड्रग्स मतलब औषधि। ड्रग्स आर द केमिकल ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास विच इंटरेक्ट विद मैक्रो मॉलिक्यूल टारगेट एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ड्रग्स एक तरह का केमिकल है जिसका लो मॉलिक्यूलर मास होता है और जो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करता है मैक्रो मॉलिक्यूल, जो दीर्घ अणु हैं, जो बड़े बड़े अणु हैं, उनको टारगेट करता है एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। और ये कहीं ना कहीं जैवीय रिस्पॉन्स देने के काम में आता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए जो है कार्य करता है। अब हम बात करेंगे मेडिसिन। तो मेडिसिन आर द ड्रग विच आर थेरेप्टिक एंड यूज फॉर डायग्नोस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो मेडिसिन्स भी ड्रग्स होते हैं जो कहीं ना कहीं थेरेप्टिक के रूप में होते हैं, और इनका यूज जो है हम डायग्नोस करने के लिए करते हैं, प्रिवेंशन के लिए करते हैं, या फिर बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की एक बार बात कर लेते हैं। एक तरह क्लास कौन कौन से होते हैं, इसमें क्लास ऑफ ड्रग कौन से हैं। तो पहला है एंटीसेप्टिक, दूसरा ड्रग्स है डिस इन्फेक्टेंट, थर्ड टाइप के हैं क्या है ये, एनल्जेरिक, हाँ एनल्जेसिक्स, फोर्थ है एंटीपायरेटिक्स, है ना, फाइव हैं एंटी मलेरियल्स, और सिक्स हैं ट्रांस क्विलाइजर, नेक्स्ट हैं एनेस्थेटिक्स, नेक्स्ट हैं एंटीबायोटिक्स। कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले तो इनके क्लास को ही याद करना पड़ेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ड्रग्स हैं, हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लासेस ऑफ ड्रग्स में एंटीसेप्टिक के बारे में बात करेंगे। तो विच प्रिवेंट और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली, लाइक वाउंड, कट और स्किन सरफेस। कॉमन एंटीसेप्टिक आर डिटॉल, सेवलॉन, कैटाबलॉन, एक्रीफ्लेविन, आयोडीन, मिथाइलिन ब्लू, मर्क्यूरो क्रोम, फ्यूरेसिन, सोफ्रामाइसिन। डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरो ऑक्सीलिनॉल एंड टर्पीनियॉल, बाइथियोनल। इट इज एडेड टू सॉप टू इम्पार्ट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। आयोडोफॉर्म एंड आल्सो यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक फॉर बाउंड। बोरिक एसिड इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन इज वीक एंटीसेप्टिक। तो एंटीसेप्टिक कहीं ना कहीं हम लोग घाव में इसका प्रयोग करने वाले हैं। स्किन अगर कहीं पे डैमेज हो गई है, कट गई है, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करने वाले हैं। और सबसे पहले तो हम एंटीसेप्टिक के रूप में डिटॉल का प्रयोग करेंगे, सेवलॉन का प्रयोग करेंगे, कैटाबलॉन का, एक्रीफ्लेविन का, आयोडीन का, मिथाइलिन ब्लू का, मर्क्यूरो क्रोम का, फ्यूरेसिन का, सोफ्रामाइसिन का। इन सब का यूज हम जो है एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। आपने ऐड भी देखा होगा काफ़ी बार, जब क्रीम वगैरह का ऐड आता है तो वहाँ पे बोलते हैं एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीसेप्टिक क्रीम। तो उसका भी जो है हम उसके रूप में भी जो है यूज करते हैं। गाइज, अब हम बात करेंगे डिस इन्फेक्टेंट के बारे में। द केमिकल कंपाउंड्स कैपेबल ऑफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर टर्म एज डिसइन्फेक्ट। किसी भी नॉन लिविंग सरफेस पर जितने भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना डिसइन्फेक्टेंट कहलाता है। दीज आर टॉक्सिक टू लिविंग टिश्यू। ये लिविंग टिश्यू पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक होते हैं। दीज आर यूटिलाइज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ फ्लोर, टॉयलेट, इंस्ट्रूमेंट एंड क्लॉथ। तो कहीं ना कहीं हम स्टेराइलाइजेशन करते हैं फ्लोर का। आप जिस ओटी वाले रूम में जहाँ कहीं ऑपरेशन वगैरह करते हो, सबसे पहले उस पूरे पूरे रूम को ही, उसकी एयर को भी जो है डिसइनफेक्ट करते हो, है ना। डिफरेंट डिफरेंट जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप उनको भी डिसइनफेक्ट करते हो, यहाँ तक कि क्लॉथ, यहाँ तक कि आपके ग्लासेस, यहाँ तक कि आप हर उस चीज़ को जो आप उसके अंदर यूज करने वाले हो, सबको डिसइनफेक्ट करके ही इंटर करते हो, है ना। मेरे हिसाब से कुछ लाइट का प्रयोग भी करते हैं, जो लाइट अगर जला दी जाती है ना, तो उनका भी हम लोग प्रयोग करते हैं।
These are utilization for sterilization of floor, toilet, instrument and cloth. Some substance can act as an antiseptic as well as disinfect by varying the concentration. तो कुछ सब्सटेंस जो कि एंटीसेप्टिक होते हैं वो भी डिसइनफेक्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन उनका वेरी करता है गाढ़ापन यानी कि कंसंट्रेशन, वो कितना कंसंट्रेट हैं उसके आधार पर वो डिसइनफेक्ट करने का काम करते हैं. 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इन डिसइनफेक्ट व्हाइल 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इज एंटीसेप्टिक. यदि हम 0.2% सॉल्यूशन का यूज करेंगे फिनॉल का, C6H5OH है ना, तो कहीं ना कहीं ये एंटीसेप्टिक. 0.2% सॉल्यूशन अगर फिनॉल का है तो कहीं ना कहीं वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा, और वहीं अगर 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल अगर हम ले लेंगे तो ये डिसइनफेक्ट कर देगा किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को, सरफेस से मार देगा. प्यारे विद्यार्थी, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एनल्जेसिक्स के बारे में, ठीक है. तो द सब्सटेंस विच आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन, ऐसे सब्सटेंस जो दर्द में राहत देते हैं, जब आपके दर्द होता है बॉडी में, और ऐसे सब्सटेंस जो आपको दर्द में राहत देते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. पहला है नेक्रोटिक्स और हैबिट्स फॉर्मिंग ड्रग्स, दूसरा है नॉन नेक्रोटिक्स और नॉन एडिक्टिव. तो यहाँ पर ये दो तरह की होती हैं. पहले तो ये जो है हैबिट पड़ जाती है इन ड्रग्स की, अगर आप इनको ले लेते हैं तो आपके डेली रूटीन में इनको लेने की आदत पड़ जाती है. और दूसरे होते हैं नॉन एडिक्टिव, अगर आप इनको लेते हैं तो आपको एडिक्टिव नहीं होते हैं, आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं एडिक्टिविटी नहीं इसकी आती है पार्टिकुलर की. तो पहला है नार्कोटिक्स और दूसरा है नॉन नार्कोटिक्स. नेक्रोटिक्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, तो दीज आर एल्कलॉइड्स. नार्कोटिक्स क्या है? दीज आर एल्कलॉइड्स एंड मोस्टली ओपियम प्रोडक्ट. कॉसेस स्लीप, जो किसको स्लीप कॉसेस करेंगे, स्लीप को. अनकॉन्शियसनेस, बताओ क्या होता है इसका मतलब? अनकॉन्शियस हो जाएगा, मतलब कि अपना उत्तेजन क्षमता जो है, या अपनी एक तरह से अपने आप को बैलेंस करने की जो क्षमता होती है वो खो देगा, है ना. When taken in higher dose, जब आप इसके high dose ले लोगे, morphine, codein, heroin, तो ये सब जो है, देखो कौन कौन से example है, morphine, codein और heroin, ये अगर इनके आप high dose ले लोगे तो आप unconscious हो जाओगे, आपको sleep आएगी, आपको नींद आएगी. Analgesics belong to this category आर इफेक्टिव एंटी पायरेटिक्स आल्सो. इसके एग्जाम्पल हैं एस्पिरिन, नोवालगिन, इबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सिन. एक बार फिर से इनके एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, एस्पिरिन, नोवालगिन, इबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सिन. तो अब हम बात करेंगे एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स के बारे में, और ये किस तरह की होती हैं. ये कहीं ना कहीं फीवर में यूज की जाती हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करने में हेल्प करती हैं. एग्जांपल हैं इसके एस्पिरिन, एनलगिन, नोवलग्लिन, पैरासीटामोल, फेनेस्टिन, ठीक है. एस्पिरिन और पैरासीटामोल का यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला भी दिया गया है, ठीक है. प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे एंटी मलेरियल, नाम ही है कि मलेरिया में इसका यूज होने वाला है. तो ड्रग्स विच इज यूज टू प्रिवेंट और क्योर मलेरिया, क्विनॉन, क्लोरोक्विनॉन, पैराक्विनॉन, प्रीमैक्विनॉन, ठीक है. नेक्स्ट जो ड्रग्स हैं उन्हें हम बात करेंगे ट्रांसक्विलाइजर के बारे में. तो द केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड हैज अ कॉलमिंग इफेक्ट. प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे ट्रांसक्विलाइजर के बारे में. तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स हैं, द केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट ऑन सेंट्रल नर्व सिस्टम, ये हमारे सेंट्रल नर्व सिस्टम पे वर्क करते हैं एंड हैज अ कॉलमिंग इफेक्ट, और ये कॉलमिंग इफेक्ट देते हैं, पूरी बॉडी शांत हो जाती है. Since these are used for mental disease, so are known as psychotherapeutic drugs. इन्हें हम psychotherapeutic drugs भी कहते हैं,
और ये दो प्रकार की होती हैं, सेडेटिव होती हैं, हाइपोनोटिक्स जिसे बोलते हैं, मूड एलिवेटर सेकेंड नंबर के होते हैं। तो सेडेटिव क्या होती हैं, रिड्यूस नर्व टेंशंस, ये आपकी नर्व्स के टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। प्रमोट रिलैक्सेशन, आप रिलैक्स हो जाते हैं, अगर इस टाइप की ड्रग्स लेते हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। रेसर पाइन वार्बिट्यूरिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स एज ल्यूमिनल सेकोनल बैरोनल, तो ये इसके डेरिवेटिव्स हैं आप कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूड एलिवेटर्स या फिर एंटी डिप्रेशेंट के बारे में। अ ड्रग्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हायर डिप्रेशन पेशेंट, ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, हु हैज लॉस्ट कॉन्फिडेंस, जिनके पास अभी कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको आप कौन सी मेडिसिन देंगे, वेंजिट्राइन, एम्फिटामाइन, इप्रोनाइज्ड एंड फेनिलजाइन, क्लोरोडाइएजोपॉक्साइड एंड मेफोबैमेट आर रिलेटिवली माइल्ड ट्रांसक्लाइजर सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। अब हम बात करेंगे एनेस्थेटिक्स ड्रग्स के बारे में। तो दीज आर केमिकली सब्सटेंस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग जनरल और लोकल इनसेंसिबिलिटी टू पेन एंड अदर सेंसेशन। दीज आर टू टाइप्स, जनरल और लोकल। तो जनरल में हम क्या स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम किस तरह का प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस एंड आर गिविंग एट द टाइम ऑफ मेजर सर्जिकल ऑपरेशन। ओ गॉड, दिस इज वेरी डेंजरस, यू नो। गैसियस फॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइलीन, साइक्लोप्रॉन। तो गैसियस फॉर्म में हम नाइट्रस ऑक्साइड, इथाइलीन, साइक्लोप्रॉन का प्रयोग करेंगे, और लिक्विड में हम क्लोरोफॉर्म, डिविनाइल ईथर एंड सोडियम पेंथाथल का यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। और लोकल एनेस्थेटिक्स में क्या है, प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द बॉडी, इट इज़ यूज्ड फॉर माइनर ऑपरेशन। माइनर ऑपरेशन के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे जेली फॉर्म ऑक्सीलोकैनिस का, स्प्रे फॉर्म इथाइल क्लोराइड का, इंजेक्शन फॉर्म प्रोकैन, है ना। हाँ, अब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक, ये बहुत पॉपुलर है। सर ये कल करें,